नमस्कार, मैं हूं विकल्प श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मोहारा में सोनार नदी का जल स्तर काफी बढ़ चुका है, जहां बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। यहां के नदी के आसपास रहने वाले गांव में घरों में घुस गए है पानी, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। डेढ़ बजे से पानी चालू है। तेहर बढ़े बढ़े रात भर में पूरा पानी आ गए हमारे घर तक। आगे घर के अंदर घुस गए पानी। हाँ, तो फिर कैसे करो? रात में सोए नहीं हम। हुआ नहीं तो बैठे रहे। पानी कम हुई? हाँ, कम हुई ऐसे लगी से। हाँ। तब बैठे रहे। ये अभी कम होते 12 बजे से पार होते कम। हाँ, और निगम विगम से कोई मन आए हैं अधिकारी? नहीं आए हैं। हाँ? रात में आए जिस नाइट में 8 बजे ऐसा है का? हाँ, आए जिसे। अब का बोली तू हंसियान मन सन बोली सोही ओकी से। अब हम घर ले निकले चली या निकला उन्हीं रिस पानी है तक। एक रात साथी भर रही पानी है तो मतलब निकलने का रास्ता? हाँ, नहीं रिस से है ना पानी। हाँ, भरा हुआ है। हाँ, पूरा पानी भरे जिसे हम निकले नहीं सके। और वो मन देखी सुई का लेके इससे। बताएंगे कब से भरा पानी? घर में क्या स्थिति है आपके यहाँ? घर में पूरा पानी भरा है तो कल से पानी भरा है। तो रात कैसे किए खाना? ये खाना वही खाए थे रानगढ़ के। अच्छा, तो प्रशासन से कोई आए थे नगर निगम? ये नहीं। राहत सामग्री ये सब नहीं। तो क्या उम्मीद है शाम तक पानी कम हो जाएगा? हाँ, कल पानी बहुत बढ़ गया था, फिर आज कम हो गया। नहीं, कल से अपेक्षा तो आज बढ़ गया लग रहा है। हाँ, नहीं कम हो गया। कम हुआ है? हाँ। तो कैसे कर रहे हैं रात के खाना वाना? हमारे घर मन में पूरा घुस गया था तो हम लोग रात को खाना नहीं खाए। रात के खाना भी नहीं खाए? नहीं। तो पानी पूरे घर में घुस गया है? हाँ। सुनात आए हो मोहरा, क्या करने? घूमे बार बाढ़ देखी बार। तो कहाँ से आए हो? भोती पहाड़ से। मतलब उतना दूर से आप बाढ़ देखने आए? हाँ, शौक है देखने का बाढ़, तो बाढ़ देखने आए हैं। हाँ, बाढ़ देखने का शौक है तो बाढ़ देखने आए हैं। यहाँ सिंदई में कब से बाढ़ आया है? 2013-14 में आया था, उसके बाद पहली बार आया, ये दूसरा बार है समझो 2024-25 में। मतलब 10 साल बाद बाढ़ आया है। हाँ। तो अभी कैसा हो रहा है, क्या इसमें कोई मतलब अपना साधन नहीं है, जैसे भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था? जैसे बाढ़ में आ जाता है पानी तो कहीं भी रहने से खाने पीने का कोई साधन व्यवस्था नहीं किया है। पार्षद ने किया ना, अभिषेक सिंह ने आया था रात में, आया था शाम को कल, वो भी कुछ साधन नहीं किया। और स्कूल का क्या है? स्कूल बंद है, दो दिन हो गया स्कूल बंद है। तो क्या स्कूल में पानी भरा हुआ है? पूरा स्कूल में पानी भरा हुआ था, करीबन 5-6 फीट पानी भरा था वहाँ। अच्छा, अभी भी भरा हुआ है? अभी भी भरा हुआ है 3 फीट। तो कैसे गुजारे आप? हम लोग कहीं व्यवस्था करके इधर उधर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके गुजारे, वहीं खाना वाना खाए। राहत सामग्री आया था? कुछ भी नहीं आया था। कुछ नहीं आया? कुछ नहीं मिला, कोई प्रशासन से ना गांव वाले से ना पार्षद जी से कोई सहायता नहीं मिला। अच्छा, पानी में कितने घर पानी में डूबे होंगे? यहाँ करीबन 30-40 घर से ज्यादा ही है। हाँ। अच्छा।
बौरमरा पार्ट है, इधर नीचे वाला है, सभी मतलब 40 से 50 घर के करीब होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। पानी यहाँ क्या स्थिति? कल से बढ़ी, कल से बढ़ गया पानी, तो फिर कैसा हो रहा है, रात कैसे काटते? मतलब बोले नहीं आए भैया, ओडांटे कहा ना उकर मन का जाले। कहाँ है? मुहारा नदिया। क्या देखने आप आए? नदिया पूरा पहाड़ में कहाँ हो गया, वही देखने आए? हाँ। कहाँ से आए? होती पार। मतलब इतना दूर से बाढ़ देखने आए? हाँ। आप कहाँ आए हो, कहाँ से? मैं परपोड़ी से आया हूँ, धामन सरतीजा। तीजा? हाँ। तो यहाँ मुहारा में क्या कर? मुहारा में ना देखने आए हैं। क्या चीज़? शिवनाथ नदी के पानी को, बाढ़ के। बाढ़ देखने आए? हाँ। खाना वाना कैसे करोगे आप लोग तो यहाँ आ गए? खाना बना कर आए हैं। हाँ। खाना बना के आए? हाँ। मतलब पूरा बच्चों को लेके आए हो? हाँ। धामन सरला धामन सर कहाँ है? कहाँ बार आ? हाँ पूरा देखे लहन। कहा? पूरा पानी देखे लहन। पूरा पानी नदिया शिवनाथ में बाढ़ आये होकर पानी? हाँ हाँ है? हाँ। अतेक दूर ले बाढ़ देखे बार आ? हाँ। खाना वाना कौन बनाएंगे? हमन खाना वाना खा का है ना। अच्छा, कतेक जना है आप मन? अरे मोर बहन के साथ आया हूँ, भाई आए, भतीजिन भतीजा आए, सब जना ले जा। हाँ। कल से भरा है, पूरा कंधे भर तक भरा है पानी, हमारे घर के अंदर घुसा है, हमको खाना तक खाने का नहीं मिला है। इतना पानी में कोई देने वाला देखने वाला नहीं है? हाँ, कोई देखने वाला भी नहीं है, कि कुछ हाल चाल पूछने वाला भी नहीं है कि क्या है, कैसे रह रहे हो, क्योंकि वो पूछने वाला भी नहीं है। एकदम हम लोग खाना भी नहीं खाए यहाँ तक कि। तो रात कैसे सोए आप लोग, कैसे रात कैसे? पूरा टेंशन में कि कब जाएगा ये पानी, कब हम लोग अपने मतलब घर में अच्छे से रहेंगे। पूरा भर गया है पूरा पानी, इधर सांप आते जाता है बार बार, इधर मारते जाते हैं हम लोग, मतलब वो करते जाते हैं, पूरा एकदम दिक्कत होता है बहुत। मैं यहीं के रहने वाला सिंहदई। हाँ। तो यहाँ गर्दन तक पानी, अभी मैं आपके सामने निकल के आया हूँ, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला कोई नहीं है, ना खाना पीना कोई व्यवस्था, ना यहाँ तक एक बाटल पानी के लिए कोई नहीं है, कोई आदमी देने वाला, क्योंकि इसलिए कि वहाँ तक नहीं जा सकता है। तो डोंगा कहता है, क्या बोलता है, उससे दे सकता है ना किसी को भी, डोंगा के जरिए से दे सकता है? नहीं, यहाँ डोंगा की भी व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन से कुछ क्या? नहीं कुछ प्रशासन तो यहाँ सकली दिखते नहीं है यहाँ पे। तो खाने का कैसे किया? वो तो घर का खाना था, तो उसको ऊपर के नीचे खटिया तक में ऊपर में पानी भर गया था, उसको ऊपर कर करके हम लोग खाना खा के बनाया है। आपके घर में कितने लोग हैं? कम से कम 10-12 लोग हैं। तो अभी 10-12 लोग पूरे वहीं पर हैं? वहीं पे है। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर आने जाने के लिए कोई कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा ना, डोंगा के जरिए से हमको खाना भी दे सकता था, पानी भी दे सकता था, लेकिन कहाँ यहाँ पानी, कहाँ यहाँ खाना। भरा है पानी यहाँ, क्या स्थिति है? शाम के। तो कैसे कर रहे हैं खाना वाना, पानी पूरा भरा हुआ था? बैठे ऊपर में चढ़ चढ़ के छत में।